अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो कल ईद है और सफाई वगैरह सब हो चुकी है और हमें सुबह नाश्ते पे सिस्टर के घर जाना है। तो मैं चिकन टिक्का मसाला बना रही हूँ कल। तो अभी सिर्फ मैरिनेट करके रखूंगी और सुबह उठ के इसे बनाऊंगी। कल का ईद का दिन बिजी बिजी रहेगा, बाहर ही रहेगा घर से, और घर में तो कोई होगा नहीं, लेकिन अपने तौर पे सफाई सब कुछ हो चुका है। तो अभी चलें ये चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। ये 6 पाउंड चिकन है, ड्रैगन थाई, एंड देन उसके साथ ये बोनलेस चिकन भी मैंने थोड़ी सी मिलाई है। अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। ढाई चम्मच गार्लिक पेस्ट है, 2.5 टीस्पून। 2.5 टीस्पून में जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जैसा चाहिए। चिली पाउडर, टू टी स्पून। वन एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। वन टी स्पून गरम मसाला। एंड ए हाफ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर। और ये इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तंदूरी चिकन मसाला। तो ये भी हम टू एंड हाफ टी स्पून, क्योंकि हमें बहुत तेज तेज यमी यमी सा चाहिए, तो इसलिए हमने ये अगर कम लगा तो ऐड हो सकता है। तो ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। इसमें दही अभी ऐड नहीं करूंगी, दही मैं जब सुबह बनाऊंगी तब ऐड करूंगी, तभी से मैरिनेट करके रख रही हूँ। तो चलो मैं हाथ धो लेती हूँ ताकि हम इसे मिला लें। भाई मैंने इसमें लीमू का रस भी नहीं मिलाया है, सुबह मिलाऊंगी जब मैं बनाऊंगी इसे। अभी सिर्फ मसाला ये सब लगा के रख लेंगे ताकि वो अच्छे से अंदर तक चला जाए और मजेदार मजेदार जो है हमें चिकन टिक्का मसाला खाने को मिले। तो ये मसाला मिल गया है, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और फिर सुबह बनाएंगे। तो जब बनाएंगे तो आप रेसिपी देखिएगा। ये एक लीमू का रस है, चार चम्मच दही है, टेबल स्पून, थोड़ी सी ये तली हुई प्याज भी मिला दी मैंने, हल्की सी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक मुट्ठी। इसको मिला लेते हैं। ये पतीला गरम हो गया है तो इसमें थोड़ा
हींग डाल लेते हैं। मीडियम आंच पे इसको मैं अब गलने रख रही हूँ और फिर जब गल जाएगी तो भून लेंगे। तो ये आधा घंटा मैंने पकाया है, अब आई थिंक इसको भून लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है। ये पानी सुखा लेते हैं इसका। ये हो गया रेडी, अब इसे रख देते हैं दम पर। और जो हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, ये मैं जब सर्व करूंगी उस टाइम पे गार्निश करेंगे, तभी इसे दम पर रख देते हैं। इसको दिखाओ, तो ये रेडी है, अब निकाल लेंगे।